हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सीरीज सीरीज के एपिसोड 5 को। आई नो कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ओनली वो सीरीज के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी, पर मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये एपिसोड आ गया था तो मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करना पहले ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम रैक को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्मूथ को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में पौधों को पानी डाल रहा होता है, फिर वो टाइम देखता है। इसके बाद हमें वी को दिखाया जाता है, वो भी टाइम देख रही होती है। वो मुक को मैसेज करती है कि मेरे लिए तुम बैंटक थोंग जाओ और वहां से 2 डम्पलिंग्स खरीद कर मेरे सेट पर लेकर आना। मुक अभी अभी रैक के घर पर आई होती है। वो परेशान हो जाती है कि अभी अभी तो मैं रैक के घर पर आई थी और फिर मुझे बैंडक थोंग जाना पड़ेगा, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी, इसलिए वो उसके लिए डंपलिंग्स खरीदने चली जाती है। इधर स्मूथ फ्रिज में खाने का सामान ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है कि फ्रिज में तो केवल अल्कोहल और बियर की बॉटल ही भरी पड़ी है। फिर वो किचन में जाता है तो किचन भी पूरा खाली होता है, वहां पर खाने का कोई सामान नहीं होता। इधर रैक अभी भी काम कर रहा होता है। वो देखता है कि उसके कप में कॉफी खत्म हो गई है, लेकिन वो कॉफी को रिफिल करने के बजाय काम करने लग जाता है। तभी वहां पर स्मूथ आता है और देखता है कि उसकी कॉफी खत्म हो गई है, तो वो बोलता है कि क्या इतने लेजी हो कि तुम अपनी कॉफी रिफिल भी नहीं कर सकते। तो रैक उससे बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम मुझे काम करते वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो स्मूथ उसके काम को देखने लगता है कि आखिर रैक कर क्या रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो रैक उससे बोलता है कि मैं अपने नॉवल के चाइनीज ट्रांसलेशन कॉपीराइट सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर रहा हूँ। स्मूथ उससे पूछता है कि क्या ये अर्जेंट है। तो रैक बोलता है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तो स्मूथ उससे बोलता है कि लेकिन मुझे जहां तक पता है मुझने बोला था कि इसे सिर्फ तुम्हें रिव्यू करना है। मैंने ये बात अपने कानों से सुनी थी, उस दिन जब वो कपड़े देने आई थी तब वो जोर जोर से यही बात बोल रही थी। अच्छा सुनो, मुझे भूख लगी है। तो रैक उससे बोलता है तो फिर जाओ खाना खा लो। स्मूथ उससे बोलता है कि घर में खाने का कोई भी सामान नहीं है और फ्रिज तो पूरा अल्कोहल की बॉटल से भरा पड़ा है। तो रैक बोलता है कि वो डिलीवरी ऑर्डर कर लो। स्मूथ उससे बोलता है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। रैक उससे बोलता है कि ठीक है फिर मेरा फोन यूज कर लो। वो उसे अपना फोन देने लगता है। स्मूथ उससे बोलता है कि मेरे साथ बाहर खाने पे चलो ना। तो रैक उससे बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तो स्मूथ उससे कहता है कि लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और फिलहाल मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो तुम्हें भूख लगी हो या ना लगी हो, मुझे तो भूख लगी है ना। प्लीज मेरे साथ बाहर खाने पर चलो, प्लीज मुझे लेकर चलो ना। और तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ, तो फिलहाल मुझे अपने साथ खाने पर बाहर लेकर चलो ना। मैं तुम्हारे साथ बाहर खाने पर चलना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। उसको रिक्वेस्ट करते देखकर रैक पिघल जाता है। फिर वो उसे लेकर एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहां पर कुछ लड़कियां उनको ध्यान से देख रही होती हैं और स्माइल पास कर रही होती हैं। रैक सोचने लगता है कि वो लड़कियां इस तरह से क्यों कर रही हैं। उसे लगता है कि शायद वो स्मूथ को देखकर चेकआउट कर रही हैं। तभी स्मूथ रैक के पास आता है और उसकी शर्ट के बटन को बंद करने लगता है, क्योंकि उसने शर्ट के बटन को कुछ ज्यादा ही खोल रखा होता है। फिर उससे बोलता है कि वो लड़कियां मुझे देखकर नहीं तुम्हें देखकर स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो तुम्हें चेकआउट कर रही थी। ये सुनकर रैक थोड़ा खुश हो जाता है। फिर उससे बोलता है कि मुझे अपना ड्रेस ऐसे ही पहनना पसंद है, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर वो जाने लगता है। तभी स्मूथ पीछे से बोलता है कि तुम ये जानकर खुश हो रहे हो ना कि वो लड़कियां मुझे चेकआउट नहीं कर रही थी, तुम ये सोचकर जलस फील कर रहे थे ना कि शायद वो लड़कियां मुझे देख रही थी। तो रैक इस बात को टालते हुए बोलता है कि नॉनसेंस, कुछ भी मत बोलो और जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। फिर वो दोनों खाना खाने आ जाते हैं। वो दोनों टेबल पर बैठे होते हैं और अपने अपने ऑर्डर देख रहे होते हैं। मेन्यू कार्ड में जब स्मूथ डिशेस के नाम देखता है तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसमें डिशेस के लंबे चौड़े नाम लिखे होते हैं जिसको वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। वहीं वेटर उसको जज करने की नजरों से देख रहा होता है। टैक वेटर को ऑर्डर दे देता है कि उसे कौन कौन सी डिशेस चाहिए, और बेचारा स्मूथ अभी भी इस बात में उलझा होता है कि वो डिशेस का नाम कैसे प्रोनाउंस करे, वो क्या ऑर्डर करे। तभी रैक उससे पूछ लेता है कि तुम क्या खाओगे। तो स्मूथ उससे बोल देता है कि तुम ऑर्डर कर दो, मुझे कुछ भी चलेगा। तो रैक उसके लिए भी खाना ऑर्डर कर देता है। फिर वेटर चला जाता है। स्मूथ रैक से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इन डिशेस के नाम इतने लंबे लंबे होते हैं, मुझसे तो उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा था, मैंने तुम्हें एम्बैरेस कराया होगा ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो रैक उससे बोलता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें उस वेटर की वजह से ऐसा फील हो रहा है, रुको मैं अभी उससे बात करता हूँ। वो उससे बात करने जाने लगता है। तभी स्मूथ उसे रोक लेता है। रैक उससे बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं उससे बात करता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे ट्रीट करने की, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और सबसे जरूरी बात, हमारे पास पैसे हैं, हम कोई फ्री में यहाँ खाने नहीं आए हैं, और हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार कोई चीज जरूर करते हैं, सब चीज के लिए हमारा फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए किसी को भी हक नहीं है कि वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करे। तुम यही रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। रैक को खुद की इतनी परवाह करते देखकर स्मूथ खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। तो रैक उससे पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो स्मूथ उससे बोलता है कि क्योंकि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी परवाह करते हो। तो रैक बोलता है कि एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ इसलिए। फिर वो इतना बोलने के बाद चुप हो जाता है कि ये मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। स्मूथ अभी भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो। तो रैक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। तो स्मूथ उससे बोलता है कि लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम बस अपने रूम में रहकर अपना काम करते हो, मुझे अवॉइड करते हो।
यहाँ तक कि मैं जो तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ तुम उसे खाते तक नहीं हो। शायद तुम्हें नहीं पता है लेकिन मैं बहुत ही नाजुक दिल का हूँ, मेरा दिल जल्दी टूट जाता है। रैकस से बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। याद है तुमने बोला था कि तुम बहुत ही ढीठ हो, इतने निर्लज हो कि कुछ भी कर सकते हो। तो स्मूथ उससे बोलता है कि हाँ ये सच है कि मैं ढीठ हूँ लेकिन जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उनके लिए मेरा दिल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक है। तो रैकस से बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है और उनके टेबल पर सर्व कर देते हैं। रैकस स्मूथ को डिश ट्राई करने को बोलता है और उसे पूछता है कि खाकर बताओ कि कैसा लग रहा है। स्मूथ जब उसे ट्राई करता है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। वो उससे बोलता है कि ये अपने लंबे चौड़े नाम के लायक है। वैसे कहाँ थे हम? हाँ तो तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे अभी पसंद नहीं करते, राइट? इस पर रैक थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। वो देखता है कि स्मूथ उसकी तरफ ही देख रहा है तो वो उससे बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, चुपचाप खाना खाओ, जल्दी से खाना खाओ, हमें घर जाना है। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें भूख लगी है। यहाँ पर स्मूथ उसे बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता है। उसी वक्त रैक को किसी पर्सन का कॉल आ रहा होता है जिसके नंबर को रैक ने देवी के नाम से सेव किया होता है। वो उसे इग्नोर कर देता है। इधर मुक च्यू डम्पलिंग्स लेकर वी के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसे ढूंढने के चक्कर में सेट से लेकर ड्रेसिंग रूम का कई बार चक्कर लगा चुकी है। वी उससे पूछती है कि तुम ये सारा सामान लेकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी? तो मुक बोलती है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ रखूँ। तो वी उसे ले लेती है और फिर वो एक लेडी को उसे देते हुए बोलती है कि मैं ये स्नैक्स पैंथर टाउन के फेमस शॉप से लेकर आई हूँ, प्लीज आप इसे सभी क्रू मेंबर्स में बांट दीजिएगा। मुक वी से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि वी उसे जब देखो तब परेशान करती रहती थी। वी उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हारे पीरियड्स आया है? तो मुक उससे बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन तुम अब मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि मुझे बैंडेड थॉन्ग से सेट पर आने में कितना टाइम लगा? वी उससे बोलती है कि हाँ 1 घंटा लगा होगा। तो मुक उसे बताती है कि उसे 1.5 घंटे लगे क्योंकि ट्रैफिक जाम था। तो वी उससे बोलती है कि वाओ इम्प्रेसिव स्पीड, और ये वो बात सार्केस्टिक वे में बोल रही होती है। तो मुक उससे बोलती है कि वी तुम भी ना। तो वी बहुत ही प्यार से बोलती है कि हाँ मुक बोलो। वी को इतने प्यार से बात करते देख मुक एक पल के लिए एकदम पिघल जाती है, फिर वो खुद को संभालती है और उससे बोलती है कि वी इधर रैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, वो मैनुस्क्रिप्ट को समेटने के चक्कर में एक साधु संत के मोड में चला गया है, पर फिर भी मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं उसके घर जा रही थी कि कहीं मैं देखूँ उसको मेरी हेल्प की तो जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने पर मुझे तुम्हारे लिए चिव डम्पलिंग खिलाने के लिए बैंडेड थॉन्ग जाना पड़ा। और तुम्हें पता है जब से वो लड़का रैक के घर में रहने आया है मैं 2 गुनी ज्यादा थक जा रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। पता है जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं ऑलरेडी रैक के घर पर पहुंच चुकी थी लेकिन फिर से अब मुझे उसके घर पर जाना पड़ेगा, मुझे रैक के लिए शॉपिंग करने भी जाना था। वी उससे बोलती है कि लेकिन रैक तो खाना बनाता ही नहीं है इसलिए तुम्हें उसके लिए सिर्फ कुछ यूजुअल स्टफ ही लाना होगा। तो मुक उससे बोलती है कि वो नहीं बनाता पर स्मूथ बनाता है। पता है पहले मैं रैक के लिए 1 किलो पोर्क लेकर आ जाती थी जिसमें वो इंस्टेंट नूडल ऐड करके उसे बना लिया करता था और बाकी के बचे पोर्क को वो फ्रीज रीफ्रीज करके 1 महीने तक काम चला लिया करता था, लेकिन जब से स्मूथ यहाँ पर रहने आया है पता है वो 1 किलो पोर्क तो 2 दिन में खत्म कर देता है और उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने बेकार में ही ये एग्रीमेंट में लिख दिया कि रैक उसके खाने पीने के सामान के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इससे मेरी परेशानियां बढ़ गई है, मुझे वो सब हैंडल करना पड़ रहा है, रैक को तो इसको हैंडल करना नहीं है, इसलिए मुझे अब हो रहे हैं। तभी वी बहुत ही प्यार से उसके चिक्स और बालों को सहनाने लगती है और उससे बोलती है कि इतनी मेहनत करके तुम थक जाती होगी ना? तो मुक उससे बोलती है कि हाँ। तो वी उससे बोलती है कि फिर तो मुझे इस मेहनती सेक्रेटरी को रिवॉर्ड देना चाहिए। तभी मुक अपने माथे को अपने हाथों से ढक लेती है। तो वी उससे बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फॉरहेड पर किस करूं? तो मुक बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वी उससे बोलती है ठीक है फिर तब तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ फिर तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड दूंगी। इस पर मुक जैसे ही उससे कुछ बोलने वाली होती है वी उससे बोलती है कि चुपके से भागने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें मेरे साथ ही चलना है, यहीं पर रुको और मैं अभी चेंज करके आती हूँ। बेचारी मुक क्या ही कर सकती थी, वो उसका वेट करने लगती है। वहीं वो परेशान भी हो रही थी क्योंकि उसे रैक के लिए शॉपिंग पर जाना था। तभी वहां पर एक लेडी कुछ ड्रिंक्स लेकर आती है और वो मुक को दे देती है। मुक उसे थैंक्स बोलती है और वहीं पर वी का इंतजार करने लगती है। इधर स्मूथ और रैक शॉपिंग कर रहे होते हैं, रैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था इसलिए वो स्मूथ से बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो स्मूथ उससे बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ फिर हम चलेंगे। रैक बोर हो गया था इसलिए वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे घर पर जाकर काम भी करना है। तो स्मूथ उससे बोलता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो जाओ, मैं यहाँ पर अगर खो गया ना तो लॉस्ट चिल्ड्रन सेंटर में चला जाऊंगा। तो रैक उससे बोलता है कि लेकिन तुम वहाँ क्यों जाओगे, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। तो स्मूथ उससे बोलता है कि हाँ मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ पर मैं वहाँ जाकर ये अनाउंस करवाऊंगा टोंगरिक नाम का एक फेमस राइटर है और वही मेरा ऑनर है, वहाँ पर कोई ना कोई तुम्हें पहचानता ही होगा, वो मुझे तुम्हारे घर पर लाकर छोड़ देगा। और मुक ने मुझे बताया था कि तुम अपनी राइटिंग के अलावा अपने हैंडसम लुक के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस हो, तो जरूर कोई ना कोई तुम्हें पहचानता ही होगा। रैक उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हो? तो स्मूथ उससे बोलते हैं कि वाओ तुम्हें पता चल गया, मतलब कि मेरा बॉस बहुत ही इंटेलिजेंट है। स्मूथ ने उस वक्त गाजर लिया होता है जिसका प्राइस 60 रुपए होता है, जिसे देखकर वो शॉक जाता है और बोलता है कि मेरे पड़ोस में तो ये सिर्फ 10 रुपए का मिलता है। तो रैक उससे बताता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया गया है इसलिए इतना महंगा है।
फिर स्मूथ उसे फ्रेश मार्केट जाने को कहता है। तो रैक उसे मना करने वाला होता है, तभी स्मूथ उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बोलने वाले हो कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो रैक उससे बोलता है कि अच्छा है कि तुम्हें ये पहले से पता है। तो स्मूथ उसे बोलता है कि मैं इसमें गिव अप कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी फर्स्ट डेट है। तो रैक उससे बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने। तो स्मूथ उसे बोलता है कि मैंने बोला कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो रैक उससे बोलता है कि ये नहीं, इससे पहले तुमने क्या बोला था। तो स्मूथ उससे बोलता है कि मैंने कहा कि हम डेट पर आए हैं जिसे हम पसंद करते हैं या फिर जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, उसके साथ बाहर जाना, खाना खाना, शॉपिंग करना, घूमना, ये सब डेट ही तो कहलाता है। अगर ये डेट नहीं है तो क्या है, तुम ही बताओ ना। रैक उससे बोलता है कि हम कोई डेट वेट में नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आए थे और साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्मूथ उससे बोलता है कि लेकिन लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे एक नॉवेल में पढ़ा था कि नॉवेल का हीरो जब मेन कैरेक्टर को अपने साथ बाहर खाने पर ले जाता है तो वो उसे डेट का नाम देता है, या फिर हमें इस आउटिंग को डेट का नाम देने के लिए एक दूसरे को किस करना होगा। इतना बोलने के बाद वो धीरे धीरे रैक के नजदीक जाने लगता है। तो रैक जल्दी से अपने लिप्स को ढक लेता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी स्मूथ पीछे से कैबेज उठाता है और बोलता है कि मैं तो ये कैबेज ले रहा था, वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? ये सुनकर रैक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो शायद यही सोच रहा होता है। वो बिना कोई जवाब दिए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी खरीदना है जल्दी खरीदो क्योंकि मुझे घर जाना है। फिर इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। स्मूथ को जो चाहिए था वो कार्ट में रखता जाता है और रैक को भी जो चाहिए था वो कार्ट में रख रहा होता है। रैक यहाँ पर ज्यादातर अनहेल्दी फूड को खरीद रहा होता है जैसे कि स्नैक्स, नूडल्स एंड बियर, इसलिए स्मूथ उन सबको निकाल निकाल कर बाहर रख रहा होता है। वो रैक को गाइड कर रहा होता है कि उसे कौन सा स्नैक्स लेना चाहिए और कौन सा नहीं, कुछ में ज्यादा सोडियम होते हैं तो कुछ में किसी और केमिकल की मात्रा ज्यादा होती है। वो उसे मना करते हैं कि तुम ऐसे स्नैक्स और बूज पर जिंदा नहीं रह सकते, ये तुम्हारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं। पर रैक उसकी बात नहीं मान रहा होता है, वो उनको वापस नहीं रख रहा होता है। स्मूथ उससे बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जब से हम बैंकॉक वापस आए हैं तुम तब से देर रात तक जागते हो और दोपहर को उठते हो, इस तरह की अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अर्ली डेथ को बढ़ावा देती है, क्या तुम जल्दी मरना चाहते हो? तो रैक उससे बोलता है कि नहीं, मैं जल्दी नहीं मरना चाहता, पर ये मेरी लाइफ है, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। तो स्मूथ उससे बोलता है कि और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैंने देखा कि तुम्हारा फ्रिज पूरे अल्कोहल की बोतल से भरा पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हार्ड वर्क से कमाए हुए पैसे मेडिकल बिल्स और दवाइयों में खर्च हो जाए। एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ तब तक तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मुझे अपना ख्याल रखने दोगे ना? तो रैक उससे बोलता है कि मेरी लाइफ इतनी भी मेस्ड अप नहीं है। तो स्मूथ उससे बोलता है कि हाँ, माना कि तुम्हारी लाइफ उतनी भी मेस्ड अप नहीं है, लेकिन तुम बस थोड़े से बुढ़े हो। ये सुनकर रैक चिढ़ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी एज सेमिंग कर रहे हो? तो स्मूथ बोलता है कि अब मान भी जाओ कि तुम बुढ़े हो। तो रैक उससे बोलता है कि मैं कोई बुढ़ा उठा नहीं हूँ। स्मूथ उसे और भी ज्यादा टीज कर रहा होता है, वो उससे बोलता है कि कम ऑन, मान भी लो कि तुम बुढ़े हो और तुम लकी हो कि तुम बुढ़े होने के बावजूद भी यंग दिखते हो। फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे ये करने देना होगा। तो रैक उससे बोलता है कि क्या चीज, तुमने मुझे बुढ़ा बुला लिया, मेरी एज सेविंग कर ली और बैड हेल्थ से अर्ली डेथ, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, अब क्या बोलने वाले हो तुम? तो स्मूथ उससे बोलता है कि तुम मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो, मैं हमारे बुढ़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चलो अब मैं ये बियर रखकर आता हूँ। फिर वो बियर रखने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं जिसने मुक को अपनी गोद में लिटाया होता है और वो मुक को आराम करने के लिए बोली होती है, लेकिन मुक को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो वी से बोलती है कि लेकिन मैं सोऊं क्यों? तो वी उससे बोलती है कि तुम ही तो बोल रही थी कि तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैं तुम्हें रेस्ट करने दे रही हूँ, और भूलो मत कि तुम फिलहाल एक फेमस एक्ट्रेस के लैप में सोई हुई हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तुम्हें इसके लिए गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सोचती कि ये जरूर मेरे पिछले जन्म का पुण्यकर्म है, तभी मुझे ये सौभाग्य मिला है। मुक को रैक के घर जाकर उसके लिए काम करना था और उसके लिए शॉपिंग पर भी जाना था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, उसे नींद भी नहीं आ रही होती। वो उठकर जाने लगती है तभी वी उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें आराम करने दे रही हूँ ना, तो आराम करो चुपचाप। मुक उससे बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे काम है, मुझे रैक के लिए शॉपिंग पर भी जाना है। तो वी उससे बोलती है कि चिंता मत करो, कोई और उस काम को ऑलरेडी कर रहा है। ये सुनकर मुक सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि कौन है वो। तो वी उसे अपने और स्मूथ के चैट को दिखा देती है और बोलती है कि वहाँ स्मूथ, वो रैक के साथ शॉपिंग पर गया है। ये सुनकर मुक और ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि तुम वहाँ स्मूथ से बात करती हो? तो वी उसे बताती है कि लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तभी हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया था, तो क्या अब तुम चुपचाप आराम करोगी? तो मुक बेचारी चुपचाप आराम करने लगती है। वी रैक के लिखे हुए एक नॉवेल को पढ़ रही होती है, वो मुक से बोलती है कि क्या तुम इस नॉवेल की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके सुना सकती हो? ये सुनकर मुक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो उस नॉवेल की स्टोरी को वी को एक्सप्लेन करने लगती है कि इस नॉवेल का मेल लीड जो होता है वो बहुत ही रिच होता है, इसके साथ ही वो एकदम निहायत ही बदतमीज लड़का होता है, उसे लगता है कि वो पैसे के दम पर कुछ भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि वो इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर को भी पैसे से खरीदने की कोशिश करता है, उसे अपने पैसे की अकड़ दिखाता है, उसे स्लट कहकर बुलाता है,
इस नॉवेल को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं रैक को बोल रही थी कि इसमें रिवेंज का एंगल भी ऐड करो। इस पर पता है रैक ने क्या कहा? कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, अब मैं स्क्रिप्ट में कोई भी चेंज नहीं करूंगा, इसमें रिवेंज का प्लॉट तुम खुद ही इमेजिन कर लो। बेचारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर इसमें बहुत ही ज्यादा सफर करता है, हम सब चाहते हैं कि वो रिवेंज ले, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे कोई चेंज किया ही नहीं रैक ने। बुक स्टोरी को एक्सप्लेन करने में इतना खो गई होती है कि वो ध्यान ही नहीं देती कि क्या क्या बोले जा रही होती है। फिर वो जब नोटिस करती है कि भी एकदम चुप है तो वो चुप हो जाती है और बोलती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे चुप हो जाना चाहिए। तो भी उसे बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम बोलो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुक उससे बोलती है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम स्टोरी खुद ही पढ़ो ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आती है और बोलती है कि क्या सच में वैसा करना ज्यादा मजेदार होगा। मुक उसे अपने इतने करीब देखकर एकदम चौंक जाती है, उसके दिल की धड़कने बढ़ जाती है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि ये दोनों सो चुकी हैं। अचानक मुक की नींद खुलती है तो वो उठकर बैठ जाती है। वो वी से बोलती है कि वी प्लीज मुझे ऐसे टीज मत करो, तुम्हें कोई खबर भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करती हूँ, और तुम्हें तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। दरअसल फ्रेंड्स मुक वी को पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैक और स्मूथ फाइनली शॉपिंग करके वापस आ चुके होते हैं। गाड़ी से उतरते ही रैक स्मूथ से बोलता है कि मुझे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम आज खाना बनाना तो आइलैंड पर जैसे खाना बनाया था वैसे मत बना देना, वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो स्मूथ उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें आइलैंड पर फिश खाने को दिया था तब तुमने एक बाइट खाने के बाद ही लगभग 1 लीटर पानी पी लिया था, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हें स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो रैक से बोलती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। स्मूथ रैक से पूछते हैं कि रैक ये कौन है। दरअसल ये रैक की छोटी बहन होती है। अब ये क्लियर नहीं बताया गया है कि ये यहाँ पर इसकी स्टेप सिस्टर होती है या फिर कजिन होती है। रैक उसे बोलता है कि फ्रेंड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फ्रेंड उससे बोलती है कि अपनी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या, तुम्हारी छोटी बहन तुमसे मिलने आई है और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो। इस पर रैक उससे बोलता है कि मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन है, उसके अलावा मैं किसी को भी अपना सिबलिंग एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्रेनु से बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि ये लड़का कौन है, तुम्हारा नया सर्वेंट है क्या, दिखने में तो एकदम देहाती गवार जैसा लग रहा है। ये सुनकर बेचारा स्मूथ अपने आप को देखने लगता है कि क्या सच में ऐसा लग रहा हूँ क्या। तभी प्रिन रैक से बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब मैं एक दिन शॉपिंग मॉल में गई थी तब मैंने वहाँ पर तुम्हारी सेक्रेटरी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को देखा जो कि लड़कों के कपड़े खरीद रही थी। वो देखकर मैं सरप्राइज हो गई क्योंकि वैसे कपड़े पहनना तो तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन से मैं तुमको कॉल कर रही थी पर तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, मुझे लगा कि तुम बहुत बिजी हो गए, पर यहाँ आई तो पता चला कि तुम इस लड़के के साथ। और इतना बोलने के बाद वो हंसने लगती है। तो रैक उससे बोलता है कि तुम फ्री हो क्या, वो बोलती है कि हाँ। तो रैक बोलता है कि हाउ नाइस, मुझे तुमसे जेलस फील हो रहा है कि तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम है और मुझे देखो मेरे पास इतना काम होता है कि मैं थक जाता हूँ, दूसरों के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जिन लोगों के पास इतना फ्री टाइम होता है वो हमेशा दूसरों की लाइफ में क्यों टांग अड़ाते रहते हैं, उन पर क्यों जासूसी करते रहते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अच्छे से अपने घर पे रहता या फिर खुद को एजुकेट करने में टाइम इन्वेस्ट करता, ना कि लोगों के पास जा जाकर ये प्रूव करता कि मैं कितना ब्रेनलेस हूँ। ये सुनकर प्रिन भड़क जाती है और गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाकर बोलती है कि रैक। फिर वो उसे टॉन्ट मारती है कि मैंने इसकी बात तो तुम करो ही मत क्योंकि खुद को ही देख लो, यहाँ छोटी बहन तुमसे मिलने आई है और तुम उसे भगाने में लगे हुए हो। तो रैक उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला ना कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, और हाँ मैं चाहे किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिन बोलती है कि मैं तो बस फैमिली मेंबर होने के नाते तुम्हारी चिंता कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली का रेपुटेशन खराब हो, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी आंटी के साथ क्या हुआ है। यहाँ पर वो उसके मदर के बारे में बात कर रही होती है, वो बोलती है कि मैं उनके जूनियर रिलेटिव होने के नाते तुम्हारी परवाह कर रही थी क्योंकि उनको ऐसे हालत में देखकर ना मुझे बहुत दया आती है, बहुत दुख होता है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी हालत भी वैसे हो जाए, और अगर तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में थू थू करने लगेंगे और इससे हमारी फैमिली के इमेज पर क्या असर होगा, तुम खुद सोचो। प्रिन जब उसके मॉम के बारे में बात करती है तो रैक थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। रैक अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं। प्रिन जब ये देखती है कि उसे गुस्सा आ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसने रैक को हरा दिया। फिर रैक उससे बोलता है कि वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। तो प्रिन उससे बोलती है कि क्या तुम सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो रैक उससे बोलता है कि नहीं, अब तुम फैमिली के बारे में बात कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी बात कर लूं, तो तुम बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। तो प्रिन उससे बोलती है कि तुम अचानक मेरे बॉयफ्रेंड की चिंता क्यों करने लगे। तो रैक उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि वो 10 मिलियन है। तो प्रिन उससे बोलती है कि मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम क्या बोले जा रहे हो। तो रैक उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को इन्वेस्ट करने के लिए 10 मिलियन पैसे दिए हैं। इस पर प्रिन उससे बोलती है कि हाँ तो तुम्हें उससे क्या। तो रैक उससे बोलता है कि मैं ये कह रहा था कि तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। तो प्रिन उससे बोलती है कि मैं भला क्यों चिंता करने जाऊँ, किस चीज की चिंता करूँ, और वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दूँ या ना दूँ तुम्हें उससे क्या। तो रैक उससे बोलता है कि क्योंकि उसका बिजनेस फ्लॉप होने वाला है। ये सुनकर प्रिन चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं ये सब सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ मत बोलो। तो रैक उससे बोलता है कि
तो रैक उससे बोलता है कि प्लीज बेब मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा ही बोला है ना उसने। पर सच तो ये है कि उसका बिजनेस फ्लॉप होने वाला है और पिछले महीने ही मैंने उसे किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ कहीं जाते हुए देखा था। प्रिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो उसे बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। तो रैक उसे बोलता है कि तुम इसके अलावा और कुछ बोल भी क्या सकती हो, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों की लाइफ पर नजर रखना, उनके कामों में दखल देना बंद करो और अपने ब्रेन को इंसल्ट से भरने के बजाय खुद को एजुकेट करने में टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब तुम आर्गुमेंट हारने लगती हो ना तो तुम्हारे पास बोलने के लिए सिर्फ यही बचता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं ये सच नहीं है। ये सुनकर प्रिन भड़क जाती है और गुस्से से तमतमाते हुए बोलती है कि रैक क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वो रैक को धमकाने लगती है कि वो इस बारे में अपनी मॉम को बताएगी और साथ ही साथ वो उसकी मॉम से भी इस बारे में शिकायत करेगी। तो रैक उससे बोलता है कि ये क्या, अब मैंने बात करना शुरू किया तो तुम पीछे हट रही हो। फिर वो उसका हाथ खींचकर उसे मरोड़ देता है और बोलता है कि लेकिन तुम एक बात सच कह रही थी, हमारी फैमिली में हर कोई मेन से ऑब्सेस्ड है। वेल रैक की फैमिली में ये हिस्ट्री होता है कि हर कोई उसकी फैमिली में लड़के को पैसे से खरीदता है, उसे अपने पास रखता है, मतलब आप उसको एक तरह से मेल प्रोस्टिट्यूट कह सकते हो। तो यहाँ पर प्रिन उससे बोलती है कि नहीं मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी पैसे से नहीं खरीदा और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे उधार दिए हैं और वो जल्दी ही मुझे लौटा देगा। तो रैक उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे अलग हूँ क्योंकि लड़कों में मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे पसंद किए गए लड़कों से तो बहुत ज्यादा हाई है। और ये बात वो स्मूथ के बाहों में बाहें डालकर बोलता है। ये देखकर तो स्मूथ एकदम खुश हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रिन के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था, अपनी हार देखकर वो गुस्से से एकदम मिचमिचा जाती है। इधर रैक स्मूथ के साथ घर के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही वो उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। रैक भले ही प्रिन के सामने स्ट्रांग बनकर खड़ा था, उसके इंसल्ट का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, पर सच तो ये था कि प्रिन की कही हुई सारी बातें उसके दिल पर सीधे लगी होती हैं और उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो अपने कमरे में आ गया होता है, उसे बहुत रोने का मन कर रहा था पर वो अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्मूथ आता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो रैक उससे बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। स्मूथ उससे बोलता है कि मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम क्या खाओगे। तो रैक उससे बोलता है कि मैंने बोला ना तुमसे चले जाओ यहाँ से। स्मूथ फिर भी नहीं जा रहा होता है, वो उससे बोलता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो रैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भड़क जाता है और बोलता है कि मैंने बोला ना चले जाओ यहाँ से, अब क्या मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालू तब समझ में आएगा कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से। स्मूथ को पता था कि रैक को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए वो उसे छोड़ कर नहीं जा रहा था। वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो रैक उससे बोलता है कि नहीं चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है। तो बेचारा स्मूथ क्या करता, वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रैक एक बार देखता है कि वो चला गया या नहीं। जब वो देखता है कि स्मूथ वहाँ से चला गया तब वो अपने इमोशन को एकदम फ्री छोड़ देता है। और आखिरकार वो कब तक अपने इमोशन को ऐसे ही कंट्रोल करता, वो रोने लगता है क्योंकि अकेले में वो स्ट्रांग बनने का नाटक नहीं करना चाहता था। इधर स्मूथ खाना बनाने के बाद काफी देर तक रैक के आने का वेट करता है, लेकिन रैक खाना खाने नीचे नहीं आता, इसलिए वो खाने को डाइनिंग टेबल पर ही ढक देता है। इसके बाद वो किसी को कॉल लगाता है। फिलहाल हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि वो किसको कॉल लगाकर बात करता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें रैक को दिखाया जाता है। रैक सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो उठकर स्मूथ के कमरे के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो कुछ सोचकर रुक जाता है और फिर वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना रखा है और उस पर लिखा है कि प्रॉमिस की बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। वो खाना खाने बैठ जाता है। खाने को देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है कि स्मूथ उसकी बहुत परवाह करता है। फिर वो खाना खा लेता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह के अलार्म से स्मूथ की नींद खुलती है, वो उठकर नीचे आता है तो देखता है कि रैक का वेट कर रहा है। रैक उससे बोलता है कि तुम जल्दी से शावर ले लो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। फिर वो जल्दी से शावर लेकर तैयार हो जाता है तो रैक उसको लेकर शॉपिंग करने आया होता है। वो उसके लिए बहुत सारे सूट को पसंद कर रहा होता है। तो स्मूथ उससे बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे लिए ये सब खरीदने वाले हो। वो उसे रोक लेते हैं तो रैक उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये सब खरीद रहा हूँ। तो स्मूथ उससे बोलता है कि नहीं तुम्हें ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन रैक नहीं मानता। वो उसके लिए और भी सूट देखने लगता है क्योंकि उसने सूट खरीदने का पक्का मन बना लिया होता है। स्मूथ के बार बार मना करने के बाद भी रैक नहीं मानता, इसलिए स्मूथ उसका हाथ पकड़कर चेंजिंग रूम में लेकर आ जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। रैक उससे बोलता है कि देखो तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए वो सूट खरीद कर रहूंगा। तो स्मूथ उससे बोलता है कि तुम वो सूट इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम मेरे सुगर डैडी हो, या फिर तुम उस औरत ने जो कुछ भी कहा कि मैं देहाती गवार जैसा दिखता हूँ उसकी बातों से एग्री करते हो इसलिए खरीद रहे हो। तो रैक उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी बातों से एग्री नहीं करता। तो स्मूथ उससे बोलता है तो फिर तुम वो सूट क्यों खरीद रहे हो, मुझे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मैं कैसे भी कपड़े पहन लेता हूँ। जब लोग मुझे नीचा दिखाते हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों की परवाह करता हूँ, मुझे उनसे फर्क पड़ता है जिनकी मैं परवाह करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी ड्रेसिंग सेंस से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उसे चेंज करने की कोशिश करूंगा। रैक उससे बोलता है कि नहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मूथ उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। रैक बोलता है कि नहीं। तो स्मूथ बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर तरस आता है। तो रैक बोलता है कि नहीं। तो फिर स्मूथ उससे बोलता है कि तो क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रैक बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। स्मूथ उससे बोलता है कि देखो मैंने जो भी बातें कही अगर उनमें से किसी बात से भी तुम्हें फर्क पड़ता है तो मुझे बताओ,
मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। और इसके अलावा उस इमेच्योर डेविल ब्रेट ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा ना, मुझे उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस पर रैकस से बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने, तो स्मूथ बोलता है कि मैंने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रैकस से बोलता है कि ये नहीं, इससे पहले तुमने उसको क्या बोला। तो स्मूथ उससे बोलता है कि मैंने यही बोला कि वो एक डेविल ब्रेट है। पता है मेरे होम टाउन में ना ऐसी लड़कियों को बिच बोलते हैं। ये सुनकर रैक हंसने लगता है और बोलता है कि पता है मुझे ना ये जानने का बड़ा मन हो रहा है कि जब वो ये बात सुनती ना तो कैसे अपना टेंटरम दिखाती, मुझे ये देखने का बड़ा मन हो रहा है। तभी अचानक स्मूथ उसे किस कर लेता है। रैक थोड़ा सा शॉक जाता है, फिर उससे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम फिटिंग रूम में हैं। स्मूथ उससे बोलता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है बाहर के लोगों को क्या लग रहा होगा कि हम यहाँ पर सूट ट्राई कर रहे हैं। तो रैक उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम किसी नॉवल में हैं कि जो तुम यहाँ पर वो सब करने के बारे में सोच रहे हो। तो स्मूथ उससे बोलता है कि वेल मैं एक राइटर को पसंद करता हूँ तो मुझे थोड़ा तो इमेजिनेटिव होना पड़ेगा ना। तो ये सुनकर रैक भी थोड़ा सा टर्न ऑन हो जाता है और उससे बोलता है कि तो फिर चलो हम अपने इमेजिनेशन का यूज करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। स्मूथ उसे देखकर मानो पागल सा हो जाता है, वो उसे देखकर अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और इमोशन में आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो धीरे धीरे अपना हाथ रैक के पैंट में स्लाइड करने लगते हैं। स्मूथ उसे टच कर रहा होता है और पैशनेटली किस किया जा रहा होता है। तभी बाहर से कोई नॉक करता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। इधर से स्मूथ बोल देता है कि हाँ सब ठीक है, थोड़ी देर में हम बाहर आ रहे हैं। रैक उसे अपने ओठों पर किस मांग रहा होता है। स्मूथ उस पर्सन को जवाब देने के बाद फिर से रैक को किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद रैक से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है उस पर्सन को क्या लग रहा होगा कि हम यहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं या फिर इंटीमेट हो रहे हैं। तो रैक उससे बोलता है कि वो चाहे कुछ भी सोचे, मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद उसकी वॉट लगाने वाला हूँ क्योंकि उसने सारा मूड खराब कर दिया, लेकिन मैं ये सब सूट खरीदने के बाद करूंगा। फिर स्मूथ ने जो उसकी ड्रेस खराब की थी वो उसे ठीक कर देता है। रैक स्मूथ को बताता है कि वो उसके लिए सूट इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि वो उसे रिपेयर करना चाहता है। तो स्मूथ उससे बोलता है कि तुम मुझे रिपेयर करना चाहते हो पर किस चीज के लिए। तो रैक उससे बोलता है कि तुमने मेरे लिए ऑमलेट राइस बनाया था उसके लिए। तो स्मूथ उससे बोलता है कि तुमने मेरे बनाने पर उसे खाया, ये जानकारी मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रैक खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे स्माइल करता देख स्मूथ के दिल की धड़कने बढ़ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि ओ गॉड तुम इतने क्यूट क्यों हो। फिर वो उसे लेकर ट्रायल रूम से बाहर चला जाता है। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिलहाल बहुत ही ज्यादा लेट चल रही हूँ मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी से इसे कवर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।